दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे इस LG के डुअल इन्वर्टर AC के बारे में, जो मैं लगभग एक साल से यूज कर रहा हूँ। एक साल के अंदर मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस AC को लेकर, इसी के साथ साथ LG की सर्विस कैसी थी, इसकी कूलिंग कैसी है, इसी के साथ ही साथ जो मेन पॉइंट की भाई इलेक्ट्रिसिटी में बिल कम आया या नहीं, तो सब कुछ कवर होगा इसी वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, घंटी बजाना। शुरुआत करते हैं वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं हैप्पी गाइड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों यहाँ पर जो मेरे पास LG का डुअल इन्वर्टर AC है, 1 टन का है। मेरे रूम साइज के हिसाब से 1 टन परफेक्ट बैठ रहा था। और आपको अगर कन्फ्यूजन है कि भाई कि कौन से टन का AC ले या फिर इन्वर्टर ले या नॉन इन्वर्टर ले, तो उस पर मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया है AC बाइंग गाइड करके, तो ऊपर मैं लिंक कर देता हूँ, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पर बात करें इस AC के कूलिंग के बारे में, जो एक साल से मैंने एक्सपीरियंस किया इस AC के कूलिंग के बारे में, तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, देखो यहाँ पर AC की जो कूलिंग है काफ़ी अच्छी है, लेकिन उसकी कूलिंग का जो आपको फील है वो आप AC के सामने बैठे हो, जैसे मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं इस ढंग से हूँ इस एंगल में, तो मुझे AC की कूलिंग बहुत ही अच्छी लगेगी और यहाँ पे एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हो जाता है इसी AC का। तो कूलिंग के मामले में अगर आप सामने हो तो बहुत अच्छी कूलिंग मिलेगी आपको, कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं। लेकिन अगर आप वो साइड में बैठते हो या फिर ये साइड में बैठते हो, तो थोड़ा सा आपको स्वेटिंग या फिर कूलिंग वैसा बोलते हैं ना, वैसा फील नहीं होगा इस AC में। और जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कूलिंग के बारे में, तो यहाँ पे मैं इसके हिमालयन कूल या फिर बोलते हैं ना हाई कूल का जो फीचर है इस AC में, बहुत अच्छा है। अगर आप बाहर से आते हो और आपको रूम कूल करना है, तो बस इसको एक बार लगा दो हाई कूल पे, बहुत जल्दी रूम ठंडा हो जाता है। लेकिन ये हमेशा के लिए आप रखोगे तो आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है काफ़ी ज़्यादा आएगा। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा आपका रूम कूल हो जाए, उसके बाद आप इसको टेम्परेचर बोलते हैं ना, इसको नॉर्मल 18-19 पे रख सकते हो। और कूलिंग के साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा, जो इस AC का एयर थ्रो है, जो हवा फेंक रहा है, वो मतलब 2-3 फीट से ज़्यादा नहीं फेंकता, तो ये बहुत ही मुझे माइनस पॉइंट लगा इस AC का। बहुत ही कम बोलते हैं ना हवा आगे तक जाती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे अगर हिमालयन कूल जैसे फीचर यूज़ कर रहे हो इस AC में, तो वो उसका 4 या 5 फीट उसका भी बोलते हैं ना एयर थ्रो जाता है। लेकिन अगर नॉर्मली आप मोड पे रखोगे भाई, नॉर्मल टेम्परेचर पे 18-19-20, उस समय उसका जो एयर थ्रो है बहुत ही कम हो जाता है। ये पॉइंट भी आपको नोट करना चाहिए अगर आप ये AC लेने का प्लान कर रहे हो। और बात करें यहाँ पे इस AC के टेम्परेचर के बारे में, तो मैं सच बोल रहा हूँ, जब से मैंने ये LG का डुअल इन्वर्टर AC लिया है, इस पे मैंने 18 ही टेम्परेचर रखा है, उसके से मैंने कम किया ही नहीं। और अगर मैं टेम्परेचर 19-20-21-22 भी रखता हूँ, तो कुछ फर्क पड़ता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मतलब टेम्परेचर किस ढंग से काम करता है। मुझे 18 पे हमेशा रख के मैंने यूज किया है, और उसी लेवल पे ही अगर 18 टेम्परेचर रखूंगा तो ही पता नहीं मुझे वो कूलिंग फील होती थी। साथ ही साथ बात करें इस AC के बैकग्राउंड नॉइस के बारे में, जब आप ऑन कर दो तो आपको आवाज आती है या नहीं, तो यहां पे भाई आवाज जरा भी नहीं आती, आप आराम से सो सकते हो, आपको जरा भी टेंशन लेने वाली बात नहीं कि आप AC ऑन करोगे तो ऐसा आवाज ऐसा कुछ भी नहीं आएगा, तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, एकदम मस्त साइलेंटली वर्क करता है। अब यहां पे बात करते हैं इस रिमोट के कुछ फीचर के बारे में, तो यहां पे जो एक फीचर है स्विंग का, ये इस रिमोट में काम नहीं करता, मतलब स्पेशली फॉर दिस मॉडल ये काम नहीं करेगा। और इसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे LG वाले ने क्लियरली मेंशन किया है कि यहाँ पे जो फीचर्स है वो मॉडल टू मॉडल वेरी होंगे, तो वहां पे आपको इस मॉडल में आपको ये जो स्विंग का फीचर है यहाँ पे काम नहीं करता, मतलब आप स्विंग दबा दो तो पूरा स्टार्ट टू एंड ऊपर नीचे चालू हो जाएगा, वो यहाँ पे काम नहीं करता। आपको मैनुअली यहाँ पे एक एक बार क्लिक करके दबा दबा के प्रेस कर करके यूज करना है, तो इस ढंग से काम करेगा, ये वाला जो बटन है ये काम नहीं करता। और अगर आप इंटरेस्टेड हो जानने के लिए भाई कि इस रिमोट का जो फीचर है, इस किस ढंग से काम करता है, स्लीप मोड कैसे काम करता है, टाइमर कैसे काम करता है, इसमें टाइम कैसे सेट करते हैं, तो इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया, ऊपर मैं लिंक कर दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं LG की सर्विस कैसी रही, तो सर्विस के बारे में मैं कहना चाहूंगा सर्विस काफी अच्छी रही, सर्विस में कोई भी दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे इस AC में आपको 2 बार सर्विस बोलते हैं ना फ्री मिलते, 2 सर्विसिंग आपको फ्री मिलेगी इसी AC में। और इंस्टॉलेशन के लिए एडिशनल चार्जेस होते हैं, जिसमें आपको 1500 रुपीज या 750 रुपीज डिपेंड्स ऑन सेलर टू सेलर वो आपसे चार्ज करते हैं। और ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो 2 सर्विसिंग फ्री मिलती है LG की तरफ से, उसमें आपको 2 अलग-अलग मोड होते हैं। एक फर्स्ट टाइम जो आएगा उसमें नॉर्मल वो क्लीन करके जाता है, हाथ से पोछ वेच के करके चले जाता है, लेकिन सेकंड वाले टाइम जब आता है तो वहां पे वो डीप क्लीनिंग करता है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। यहाँ पे 2 अलग सर्विसिंग अलग ढंग से काम करते हैं। और जब वो LG का रिप्रेजेंटेटिव आपके घर पे आता है, तो आपको बिल प्रोड्यूस करने के लिए कहता है, तो आप बिल वगैरह रेडी रखिए। सो ओवरऑल सर्विस LG की बहुत अच्छी है, उसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं, कोई भी डाउट नहीं है उनके सर्विसिंग में। आपको बस बोलते हैं एक बार रजिस्टर करना है सर्विसिंग के लिए, आपके घर पे आएंगे कॉल करके मस्त, और बोलते ना सर्विसिंग करके चले जाएंगे, आपको ज्यादा कुछ ट्रबल करने की जरूरत नहीं होगी, और उनका कस्टमर केयर नंबर पर आपको एक बार कॉल करना है ये। लेकिन मैं कहना चाहूंगा एरिया टू एरिया वेरी होता है, तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिए। आप जब भी ऑनलाइन ऑफलाइन परचेस कर रहे हो, तो इस चीज से आप बोलते हैं ना आप वहां के
से, शोरूम वाले से, फिर या फिर ऑनलाइन ले रहे हो तो वहाँ पे जो सेलर है उससे आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो कि भाई यहाँ पे एलजी की सर्विस कैसी होगी। दोस्तों यहाँ पे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मोस्ट डिमांडिंग था कमेंट में, बहुत लोग ने मुझसे पूछा कि आपने कितना बिल सेव किया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना कम हुआ इसी एलजी के डुअल इन्वर्टर एसी से। तो यहाँ पे देखो भाई, साफ साफ मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एक साल के अंदर समझ लो मैंने समर में इसको बहुत अच्छी तरह से मतलब काफी मतलब 10-10, 12-12 घंटे यूज किए हैं, विंटर में बहुत कम मतलब आधा एक घंटा, मुंबई जैसे सिटी में बोलते हैं ना यहाँ पे विंटर में भी आपको एसी की जरूरत लगती है स्पेशली आफ्टरनून में, उस समय भी 1-2 घंटा मैंने यूज किया तो वहां पे भी कुछ बिल में बोलते हैं ना मैंने प्लस माइनस देखा। और समर में जो मैंने जहां पे दबा के यूज किया 12 से 14 घंटे, तो यहाँ पे देखो भाई मैं आपको एक क्लियर कट फिगर आपको मेंशन करता हूं। तो जब मैंने ये एसी नहीं लिया था तब मेरे घर का बिल आता था कुछ 2000 रुपए के आसपास, ओके। और जब मैंने एसी लिया समर में, और समर में लेने के बाद समझ लो मैंने 10 से 12 घंटे रेगुलर बेसिस पे अगर 1 महीने में दबा के यूज करूं, और इसी के साथ ही साथ जब मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी की तो यहाँ पे एक फीचर है एनर्जी सेवर का, एनर्जी या एनर्जी कंट्रोल का, तो ये फीचर मैंने यूज किया फर्स्ट मंथ में। वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वहाँ पे मुझे काफी डिफरेंस देखने मिला, जहाँ पे मुझे 2000 रुपये मुझे आ रहे थे बिल के हर महीने के बिना एसी के, ये एसी लगाने के बाद इसमें जो फीचर है एनर्जी कंट्रोल का उससे सिर्फ मुझे 2300 रुपये ही है, मतलब 300 रुपये मुझे एक्स्ट्रा पे करने पड़े विथ एसी। और जब मैंने ये फीचर यूज नहीं किया एनर्जी कंट्रोल का, तो उस समय समझ लो मेरा जो एसी का बिल है 2000 जो आता था वो सीधा पहुंच गया 2800 रुपए के आसपास। तो ये फर्क है एनर्जी कंट्रोल फीचर का। तो अगर आप बोलते हैं ना पैसे बचाना चाहते हो इलेक्ट्रिसिटी के बिल में, तो ये चीज का ध्यान रखिए कि आपको ये फीचर यूज करना है, और ये फीचर काफी अच्छा लगा इस एलजी की तरफ से। और दोस्तों अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर, तो आपको सभी को पता होगा कि मैंने एक एलजी का डुअल इन्वर्टर मेरे दूसरे बेडरूम में भी लगाया है। अगर आप चाहते हो कि उस मॉडल को मतलब ये मॉडल को और दूसरा जो मैंने दूसरे बेडरूम में लगाया दोनों को कंपेयर करूँ, तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कुछ फीचर्स उसमें अलग है, तो वो आप मुझे अगर कमेंट करके बताओगे, और ज़्यादा कमेंट आए तो मैं डेफिनेटली एक प्लान करूंगा एक कंपेरिजन वीडियो बनाने का, और उससे आपको काफ़ी हेल्प होगी कि कौन सा मॉडल आपके लिए परफेक्ट होगा। और दोस्तों अगर आप प्लान करो एक एलजी का डुअल इन्वर्टर का एसी लेने के लिए, तो उसकी जो बाइंग लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो और वहाँ से आप परचेस भी कर सकते हो। इसी के साथ ही साथ मुझे जो एसी पसंद है या फिर मैं जो मैं एसी आप सभी को रिकमेंड करूंगा परचेस करने के लिए, उसकी भी बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, वहां से चेकआउट कर लीजिए। और एक टिप देना चाहूंगा जाते जाते कि अगर आप भाई एसी खरीद रहे हो तो एक चीज का ध्यान रखो कि आप प्राइस थोड़ा कंपेयर कीजिए, मतलब ऑफलाइन कितना मिल रहा है और ऑनलाइन कितना मिल रहा है, उसको चेकआउट करने के बाद ही आप डिसाइड करें कि आपको ऑनलाइन लेना है या ऑफलाइन लेना है। बाकी आप मुझे बताइए कि आपका क्या मानना है एसी एलजी के डुअल इन्वर्टर एसी के बारे में, आपका कोई भी सवाल, कोई भी सुझाव या फिर कोई भी राय है तो लिखिए कमेंट सेक्शन में, शर्माइए मत। इसी के साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और जो लोग नए सब्सक्राइब करो हमारे हैप्पी गाइड चैनल को, हमारे हैप्पी गाइड फैमिली को, और आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग हैप्पी गाइड। बाय बाय।